दिल्ली से यह बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है और दोपहर 2 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। सिसोदिया ने जमानत अर्जी दाखिल कर दी है और इस बीच खबर यह भी है कि अगर सीबीआई से उन्हें मुक्ति मिल भी जाती है तो ईडी भी तैयारी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी सिसोदिया की हिरासत मांग सकती है। सिसोदिया के वकील लगातार दावा कर रहे हैं कि फर्जी मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन सीबीआई ने सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बताया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी भी पूछताछ को तैयार। सूत्रों के मुताबिक ये खबर, यानी एक जगह से अगर उन्हें राहत मिल भी जाती है तो दूसरी जगह मुश्किल खड़ी है उनके। अब सीबीआई हिरासत हो सकता है कि और बढ़ाने की मांग करे, अब ये भी देखने वाली बात हो, क्योंकि आज उनकी पेशी है और सुनवाई भी है जमानत को लेकर। और इस बीच दिल्ली में सियासी तकरार लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफत और प्रोटेस्ट की भी तैयारी। देखिए, केंद्र सरकार तो यही चाहेगी कि अभी पुलिस कस्टडी रिमांड सीबीआई का और मिल जाए, उसके बाद एक बार और मिल जाए, उसके बाद कोशिश करेंगे कि जुडिशियल कस्टडी में रहें। तो केंद्र सरकार की तो सिर्फ ये इच्छा है कि कोई अपराध साबित हो या ना हो, उससे पहले ही उनको इतने महीने जेल में रख लिया जाए कि अपराध जब बेकसूर भी हों तब भी जो उन्हें सजा मिल जाए। तो बेसिकली प्रोसीजर जो है वही जो है सजा है। आप पहले ये होता था कि आप अगर कसूरवार होंगे तो आपको सजा मिलेगी। केंद्र सरकार का नियम यह है कि कसूरवार तो आप है नहीं, उन्हें भी मालूम है, तो पहले ही जितनी सजा दे सकते हो सजा दे दो, पहले ही जितने महीने जेल में रख सकते हो वो दे दो। जानकारी के लिए रुक करेंगे संजय शर्मा का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कह सकते हैं कि अभी कम होने का नाम तो नहीं ले रही है, क्योंकि अगर सीबीआई से उन्हें अगर थोड़ी राहत भी मिलती है तो ईडी तैयार है। 2 बजे सुनवाई, पेशी, क्या कुछ अभी तस्वीर बनती बिगड़ती नजर आ रही है, क्या है अभी जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारी आशंका पहले थी और हमने अपने दर्शकों के साथ आशुतोष ये साझा किया था कि उनकी परेशानियां कम तो नहीं होंगी। उन्होंने जो जमानत अर्जी लगाई है, जमानत अर्जी में ये कहा है कि उनके साथ के अभियुक्तों को, बाकी जो सह अभियुक्त है इस पूरे मामले में, शराब नीति घोटाले में, आबकारी राजस्व घोटाले में, इसमें उन लोगों को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा उनको अब हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो अब ये जानकारी, ये जब याचिका दाखिल की गई तब से अब तक जमुना में बहुत पानी बह चुका है। उन्होंने लिखा कि वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और कई विभागों के मंत्री हैं, लेकिन अब ये नल अवॉइड हो गया है, क्योंकि इसमें मनीष सिसोदिया ना तो अब उप मुख्यमंत्री हैं और ना ही कई संवेदनशील विभागों के मंत्री हैं जिसमें उनको जमानत चाहिए और उन्हें अपने मंत्रालयों के काम देखने हैं। तो ये तर्क तो उनका गया, बाकी तर्क उनका ये कहना है कि बरामद की कुछ ठीक है, दलील दी गई है, लेकिन क्या सीबीआई इनकी हिरासत और भी बढ़ सकती है? सीबीआई अगर हिरासत नहीं भी बढ़ती है, राहत मिलती है तो ठीक है, ईडी तैयार है, लेकिन क्या उसके पहले इनकी हिरासत और भी बढ़ सकती है? पहले तो यही सूत्र, सीबीआई में जो हमारे सूत्र हैं उनका तो ये कहना है कि उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग सीबीआई करेगी और सीबीआई ये बताएगी कि अब तक 5 दिनों में हमने क्या हासिल किया है और अगले हिरासत के अगले चरण में हम क्या हासिल करने वाले हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सीबीआई की पूरी कोशिश होगी इस मामले में, और ये भी ध्यान रखना होगा मिलती है वो उन्हें दी जाए। संजय, ये भी ध्यान रखना होगा और ये भी हमें याद रखना होगा कि सीबीआई ने उन्हें आरोपी नंबर 1 बताया है। हाँ, और ऐसे में उनकी ये दलील कि बाकी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है लिहाजा उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है, और उनका ये भी कहना है कि उनके पास अब कोई बरामदगी नहीं हो रही, मतलब बरामदगी का अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो सारे सबूत हैं वो सीबीआई के पास हैं, जो भी सबूत का दावा सीबीआई कर रही है तो अब और बरामदगी का कोई मतलब नहीं है, लिहाजा उन्हें हिरासत में और आगे रखने का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद हल नहीं होगा, ये सिर्फ जबरन की गई कार्रवाई होगी। लेकिन 2 बजे के बाद जब उन्हें पेश किया जाएगा उसके बाद ये पता चलेगा कि अभी तक तो जो अर्जी में, जमानत अर्जी में उनकी दलीलें हैं वो हैं, उसके अलावा और नई चीजें क्या लेकर आते हैं वो देखना बाकी दिलचस्प होगा। ठीक संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तफसील से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।